हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। और यह जो नोटिस है वह झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु के लिए जो एग्जाम लेने वाले थे 2022 वाला, उसी को लेकर के यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस। तो इसके बारे में आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 18/5/2022 का, यानी 18 मई का है। तो यहाँ पे दिया गया है, झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक स्टेनोग्राफर की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20/5/2022 से दिनांक 19/6/2022 के मध्य तक आमंत्रित किया जाना था। तो ये जो है, ये आपका फॉर्म भराना था आपका 20 मई से लेकर के 19 जून तक की मध्यरात्रि तक आपको भरना था, लेकिन इसको अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन की तिथि को निम्नवत संशोधित की जाती है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ और कारणवश ऑनलाइन जो है उसका डेट को चेंज करके दूसरा कर दिया गया। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है। तो यहाँ पे है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है वह 27/5 से कर दिया गया, यानी कि 27 मई से कर दिया गया है। 27 मई से 26 जून तक की आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके अलावा है, अगर आप लोगों को फी पेमेंट करना है तो वो आपका 29 जून को करना है मध्यरात्रि तक। उसके बाद फोटो और हस्ताक्षर का जो है अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर, वो आपका 2 जुलाई तक करना है। और उसके बाद में आपको संशोधन कुछ करना है तो वो आप लोग यहाँ पे 3 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई की मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो आपका जो है फॉर्म भराना था 20 मई से 19 जून तक, तो उसको अब यहाँ पे चेंज कर दिया गया। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दिया। तो देखिए आप लोगों का जो है 27 मई से अब फॉर्म भरा है, उसके बाद आगे का सारा प्रोसेस होगा। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट नोटिस आया हुआ है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर, जिसमें से कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए जो भी फॉर्म भरने वाले थे, उनका जो है डेट को चेंज कर दिया गया है। ये 2022 एग्जाम को लेकर के यही नोटिस आया हुआ है।